हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम घूमने जाएंगे गोरम घाट। उसके लिए आपको पहले पहुँचना होगा मारवाड़ जंक्शन। वहां से आपको दो ट्रेनें मिलेंगी, एक सुबह 6:10 पे, दूसरी 11:20 में। अभी लॉकडाउन चल रहा है जिसकी वजह से आपको ये ट्रेनें नहीं मिलेगी। आप लॉकडाउन हटने के बाद या इस जगह पर घूमने के लिए जा सकते हैं। यह वीडियो पिछले साल का है जिसमें हम गोरम घाट घूमने के लिए गए थे। तो हमने मारवाड़ जंक्शन से सुबह 6:10 वाली ट्रेन पकड़ी थी। तो आपको गोरम घाट पहुँचने में करीब 2 घंटे लगेंगे और आप 8 बजे तक गोरम घाट आसानी से पहुँच जाएंगे। अभी लॉकडाउन की वजह से ये ट्रेन बंद है। तो आप गोरम घाट एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप गोरम घाट से पहले एक रेलवे स्टेशन आता है फुलाद, वहाँ तक आप बाइक या कार से जा सकते हैं और वहाँ से आप पैदल गोरम घाट आसानी से पहुँच सकते हैं। उसमें आपको 1 से 1.5 घंटा लग सकता है। तो आप एक चीज़ का ध्यान रखें, यहाँ जब भी आए तो मानसून की टाइम आए, यानी जुलाई और अगस्त में आए, तब यहाँ घूमने के लिए बहुत ही अच्छा मानसून रहेगा और यहाँ का वातावरण भी बहुत अच्छा मिलेगा। गोरम घाट जाने के सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, एक मारवाड़ जंक्शन, एक दूसरा उदयपुर की साइड से, जो मावली जंक्शन से होकर आप गोरम घाट आ सकते हैं। दोनों से आप ट्रेन से ही आ सकते हैं। हम जा रहे हैं वो है हमारे मारवाड़ जंक्शन की तरफ से। तो हम करीब अब गोरम घाट पहुँचने ही वाले हैं। यहाँ का मानसून देखिए, बारिश का पूरा मौसम है, चारों तरफ बादल और हरियाली छाई हुई है और अब हम गोरम घाट पहुँचने ही वाले हैं। तो ये देखिए वहाँ के नज़ारे, ट्रेन देखिए बहुत ही पुरानी टाइम की है और इसमें करीब 4 डब्बे होंगे जिसमें आप आके सफ़र कर सकते हैं। तो हम पहुंच चुके हैं गोरम घाट। गोरम घाट पहुँचने के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम गोरखनाथ जी के मंदिर जाएंगे। उसके लिए आपको इस रेलवे स्टेशन के पीछे से एक रास्ता जाता है जो सीधा गुरु गोरखनाथ जी के मंदिर जाता है। उस मंदिर को जाने के लिए आपको पहले करीबन 300 सीढ़ियों चढ़नी होगी जो टूटी फूटी होगी और रास्ता भी बहुत ख़राब होगा। उसके बाद सीढ़ियाँ ख़त्म होने के बाद आपको खड़ी चढ़ाई मिलेगी जिसमें आपको चढ़ना होगा, जो बहुत ही मुश्किल होगा। और इस मंदिर पर जाने के लिए आपको करीबन 1 से 1.5 घंटा भी लग सकता है। और एक चीज़ का ध्यान रखें, यहाँ मंदिर जाए तो अपने साथ पानी की बोतल लेके जाएं, क्योंकि आगे पानी की कोई व्यवस्था नहीं होगी और ना ही कुछ खाने पीने की। तो जब भी यहाँ आए तो अपना खाने पीने का सामान साथ में लेके आएँ। और ये कुछ तस्वीरें जो हमने वहाँ गुरु गोरखनाथ जी के मंदिर के पास ली है, और ये वहाँ के नज़ारे, यहाँ बंदर बहुत मिलेंगे। और ये है वहाँ का गोरम घाट का व्यू पॉइंट, यानी गुरु गोरखनाथ जी के मंदिर के सामने से लिया हुआ वीडियो। आप देख सकते हैं यहाँ से कितना खूबसूरत नज़ारा नज़र आ रहा है और चारों तरफ बारिश का मौसम हो रखा है, चारों तरफ बादल। ये मेरे दोस्त भरत है, भरत हाय बोलो। और यहाँ से आप कुछ नज़ारे देख सकते हैं और देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। ये हमारे गुरु गोरखनाथ जी के मंदिर के पास है, हम दूसरे साइड में जाके, ये है गुरु गोरखनाथ जी का मंदिर। यहाँ देख सकते हैं कितने लोग यहाँ मंदिर आए हुए हैं। इतने ऊंचाई के बाद पहाड़ पर मंदिर होने के बावजूद यहाँ लोग रहते हैं, क्योंकि यहाँ लोग आते हैं क्योंकि यहाँ उन्हें भगवान में आस्था है। और ये देखिए वहाँ का नज़ारा, कितना खूबसूरत नज़ारा है, देखिए कितना खूबसूरत, लाजवाब। यानी आप गोरम घाट आए तो ज़रूर ज़रूर गुरु गोरखनाथ जी के मंदिर जाएं। मंदिर जाएंगे तो आपको मंदिर में प्रसाद के रूप में यहाँ भोजन दिया जाएगा और आपको चाय की भी व्यवस्था की हुई है। ये है गुरु गोरखनाथ जी का मंदिर। फिर हम लोगों ने वहाँ पर कुछ तस्वीरें ली और वहाँ कुछ टाइम स्पेंड किया और बाद में
काफ़ी टाइम होने के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब हम लोगों को वापस नीचे की ओर जाना है। नीचे की ओर जाते समय एक चीज़ का ध्यान रखें कि आप रास्ते का ध्यान रखें, वरना आप यहाँ पर रास्ते में गुम हो सकते हो। तो चलो वापस हम नीचे की तरफ रवाना होते हैं। तो जाते टाइम थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि नीचे की तरफ एक तरफ होगी खाई और एक तरफ होंगे पत्थर वगैरह। तो धीरे धीरे आसानी आराम से जाएं, कोई भी जल्दबाजी ना करें। एक घंटे में आप आराम से नीचे पहुंच जाएंगे और देख एक तरफ होगी बहुत बहुत गहरी खाई, इसलिए कृपया धीरे धीरे चलें। और वहाँ से आप नीचे की ओर जा सकते। गोरमघाट रेलवे स्टेशन वापस पहुंचने के बाद आपको ट्रेन की पटरी से होकर जाना होगा जोग मंडी झरना। वहाँ से कुछ दूरी पे ये जोग मंडी झरना आया हुआ है। ये पटरी के पीछे जो दिख रहा है ये जोग मंडी झरना। यहाँ से बहुत ही खूबसूरत नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। ये नीचे से झरने का पानी बह रहा है और ये देख सकते हैं पानी। ये पीछे जोग मंडी झरना, यहाँ पर आपको बहुत सारे पशु पक्षी देखने को मिलेंगे, ख़ास तौर पर बंदर यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो ये जोग मंडी झरना गोरमघाट की सबसे प्रसिद्ध जगह है। यहाँ ज़्यादातर लोग यहाँ इस झरने के लिए आते हैं, ताकि यहाँ पर स्नान कर सकें और अच्छी अच्छी तस्वीरें ले सकें। देख सकते हैं ये झरना, बहुत ही अच्छा झरना है वहाँ। इसके बाद हम लोगों ने भी यहाँ पर स्नान की, फ़ोटो ली, और जैसे जैसे टाइम होता गया अब करीबन हमारे 3:30 बज चुकी है। तो हम वापस झरने से स्नान करके रेलवे स्टेशन की तरफ निकल लिए हैं। ये वही पटरी है जहाँ से हम आए थे, और इसी पटरी आपको वापस रेलवे स्टेशन पहुँचना है। और यहाँ से आपको शाम को 4 बजे की वापस ट्रेन मिलेगी, जो आपको मारवाड़ जंक्शन 6 बजे तक छोड़ देगी। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।